प्रथम पहल का न्यूज। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद की वल्लभगढ़ सब्जी मंडी का है, जहां पर बढ़ते कोरोना मामलों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर सब्जी मंडी में पहुंचने वाले सभी दुकानदार, सब्जी बेचने वाले और आढ़तियों का कोरोना टेस्ट किया गया है। तो वहीं वल्लभगढ़ के नोडल अधिकारी डॉक्टर मानसिक की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगहों पर कोरोना टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमित के छंटने किए जा सके और इससे कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। मैं डॉक्टर मानसिंह, नोडल ऑफिसर सब डिवीजन बल्लभगढ़ का, और ये कोविड-19 का यहाँ कैंप जारी है, टेस्टिंग जारी है। और हमेशा की तरह कभी भी कोई भी महामारी में अगर उसके लिए करना है तो इनको जरूर छांटना पड़ेगा। जो कोई पॉजिटिव है उसको आइसोलेशन में डालना जरूरी है। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र, महामारी को देखते हुए कोविड-19 का आज टेस्टिंग यहाँ जारी है सुबह 4 बजे से। और यह सब्जी मंडी में जो भी बंदा सब्जी लेके जाएगा वो टेस्ट जरूर कराए, जिससे कि जगह जगह के छोटे छोटे गांवों से यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और कोई ऐसा ना हो कि कोरोना को फैला जाए। और इन महामारी को देखते हुए आज हमने कोविड-19 टेस्टिंग कैंप का यहाँ आयोजन रखा है, सुबह 4 बजे से लगातार चल रहा है। लगभग 800 से ज़्यादा लोग इसका लाभान्वित हो चुके हैं, टेस्ट करा चुके हैं, और अभी ये कार्यरत है, जारी है। 1,000, 1,500, 2,000 जितने भी होंगे सभी के टेस्ट करेंगे हम। ये कोरोना टेस्ट के लिए लगाया था, क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ रही थी कोरोना महामारी के चलते हुए ना। डॉक्टर CMO ने, क्या नाम है यहाँ पे, मान सिंह जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ लाके हमें पूरा टेंट वो लगाया कैंप। उसमें कम से कम 1,000 टेस्ट हुए, उसमें एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, और बाकी सब और बाकी की रिपोर्टें ठीक आई है सर। डॉक्टरों ने सबको जागरूक किया, सब आरतियों के, सब रेडी पटरियों वालों के, जितने भी हम यहाँ लोग हैं मंडी के अंदर, सबके टेस्ट किए हैं उन्होंने, और सबको गाइडलाइनें दी हैं कि भाई इस तरह से सैनिटाइज और अपना डिस्टेंसिंग का पालन करो, और अपने ये सब चीज़ें चालू चलने दो।